नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सफिशिएंट का सिचुएशन है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनके एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई के लिए आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन वाला सिचुएशन है। स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। मुझे लगता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, आपके पर्सन आपसे दूर है, तभी तो ये नो कांटेक्ट या सेपरेशन वाला सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि दूर रहे इसलिए नो कांटेक्ट है, नहीं, स्थिति ऐसी है कि किसी ने तो किसी को छोड़ के कहीं और गए थे किसी और रिश्ते में। बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं, थर्ड पार्टी है इस रिश्ते में, किसी की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है, किसी ने किसी को छोड़ के कहीं और गए थे, लेकिन अभी ये बंदा लौटना चाहते हैं, लेकिन क्या करे, लौटे कैसे। आप जो हो जेमिनाई, आप तो उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आपके पर्सन आप लौटना चाहते हैं लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप गए थे कहीं और किसी और की वजह से आप इनको इग्नोर किए थे, लेकिन अभी आप इस रिश्ते में लौटना चाहते हो लेकिन अभी ये आपको इग्नोर कर रहा है और आप लौटने की इंतजार कर रहे हो, इसकी वजह से आप अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो, जिस जगह को देख के आप गए थे वहां जाके आपको धोखा मिला, या तो आप या तो आपके पर्सन को जेमिनाई, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, ये जिस चीज को देख के दौड़ के गए थे वो धोखा निकला, अभी ये लौटना चाहते हैं, अभी ये आपके तरफ आना चाहते हैं लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हो, और या तो आप चले गए थे कहीं और अभी आप लौटना चाहते हो, ये आप इग्नोर कर रहा है बंदा या बंदी, क्योंकि उनको लगता है कि आपने उनको छोड़ के किसी और को चुना था बेस्ट ऑप्शन समझ के, तो फिर अब क्यों। इन सारी स्थितियों से मुकाबला करने के लिए बंदा हिम्मत जुटा रहा है, अगर ये चले गए थे तो ये लौटने के लिए हिम्मत जुटा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ये एक डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है आपको लेके, इस रिश्ते को लेके। जैसा जिसने किया है, जैसे बोलते हैं जैसी करनी वैसी वरनी, जिसने भी जिसको धोखा दिया था उसको उस तरीके का धोखा मिला, अभी ये लौट रहे हैं, आपके पर्सन हो या आप हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, अभी ये लौटना चाहते हैं लेकिन दूसरा जो पर्सन है वो उसको इग्नोर कर रहा है। गलती के बाद दोबारा लौटने की जो हिम्मत चाहिए उस हिम्मत को ये जुटा रहे हैं, या फिर माफ करने के लिए भी बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए होता है उसको ये जुटा रहे हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं जेमिनाई।
सिक्स ऑफ कप्स रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, बंदा खुद ही गया था, चाहेगा ही रिकॉन्सिलेशन, वहां से झप्पर पड़ा है फिर आ रहा है इधर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाँ अभी तो याद आएगा कि आप ही इनके घर के ब्रेड अर्नर हो, आप ही सबको संभाल के रख सकते हो। सन के कार्ड, बच्चों की याद आ गया, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, आप हर चीज को संभालते हो, आप ऑर्गेनाइज करके रखते हो, आप अच्छे इंसान हो, आपने खुद को बहुत अच्छे से संभाला है, खुद को हील किया है, आपके साथ ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, पुराने रिश्ते को दोबारा से वापस पाना चाहते हैं, बच्चों के लिए लौटना चाहते हैं। ये तो एक दुहाई होते हैं, जैसा कि हम हमेशा बोलते रहते हैं, औरतें हस्बैंड को बोलते, मैं तो बोलती हूँ अपने हस्बैंड को, बच्चों के लिए रह गई हूँ, उस तरीके से बोलना चाहते हैं कि बच्चों की वजह से लौट रहा हूँ या लौट रही हूँ, आपकी याद आ रहा है, आप अच्छे इंसान हो, आप बहुत सेंसिटिव बंदा या बंदी हो, आपको पता है, आप माफ करना जानते हो, या आपसे यही उम्मीद लगा रहे हैं कि आप इनको माफ कर दोगे, रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए उनकी मदद करोगे, एक बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों के रिश्ते में आए इसकी उम्मीद ही आपसे लगा रहा है, और आप जो हो हर चीज़ को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो, सबका ख्याल रखते हो, स्लोली बट श्योरली एवरीथिंग यू विल बी अरेंज्ड, आप कर सकते हो सब कुछ अरेंज, आप सब सही कर सकते हो, आप में वो पावर है, ये आपसे वही उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप उनको माफ़ कर दोगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, इस रिश्ते में एक विक्टोरियस स्थिति आ जाएगी, ये रिश्ता एक विक्टोरियस रिश्ता बन जाएगा आपकी वजह से, अगर आप इसके लिए इनिशिएटिव लेते हो तो, ये आपसे यही उम्मीद कर रहा है। आप किसी लियो, एरीज लियो, लियो तो डेफिनेट होगा क्योंकि दो दो कार्ड लियो के आए हैं, या फिर उनका बर्थ चार्ट में लियो हो सकता है, अगर लियो हुए तो माफ तो जरूर कर देंगे, लियो माफ कर देते हैं बहुत जल्दी लोगों को, उनका दिल बड़ा होता है ना लियो का, लियो का दिल बहुत बड़ा होता है, लियो का अगर घर हुआ, लियो का कुछ तू भी ले तू भी ले तू भी ले, सबको दे देगा, वो राजा है ना जंगल का। लियो का दिल बहुत बड़ा होता है, ये माफी की उम्मीद लगा रहा है आपसे कि आप उनसे रिकॉन्सिलेशन कर लो। कोई लियो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, टॉरस हो सकता है, देख लेते हैं ये खुद क्या एक्शन लेंगे। द फूल के कार्ड, रिस्क लेंगे, ये आ रहे भाई रिकॉन्सिलेशन करने, ब्रांड न्यू बिगिनिंग करेंगे, गिले शिकवे माफ, हाई प्रेस्टेज, बहुत ज़्यादा सोच समझ के, अपनी सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करके ये रिश्ते में नई शुरुआत करने आ रहा है। किंग ऑफ कप्स के साथ अपनी एनर्जी थोड़ा, अपनी इमोशन थोड़ा हाइट करेंगे, क्योंकि अगर ये एक ही तरीके से आपको दिखा दिया कि यही चाहते हैं ये वो, तो आप हो सकता है उनको थोड़ा हल्के में ले लो, इसलिए ये बंदा थोड़ा अपना समझदारी का इस्तेमाल करेंगे, रिश्ते में रिस्क लेंगे, ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहा है, शुरू से शुरू करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे, किसी की रोक टोक के बिना दोबारा से रिश्ते को शुरू करने के बारे में ये सोच रहा है। ये अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करेंगे इस रिश्ते में, सही गलत अच्छे बुरे हर हालात का ये जायका लेके ही रिश्ते में आगे आएंगे, मतलब हर हालात की इनको पहचान होगी, हर हालात को ये दोबारा से टटोलेंगे, साथ ही साथ इस बार ये लोगों की बातों में मुझे नहीं लगता है आएगा, हो सकता है पहले ये लोगों की बातों में आता था, अभी कोई उनको बहला फुसला नहीं सकता है, समझा नहीं सकता है, दोबारा से जाने के बारे में भी नहीं सोच रहा है, ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करके नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको कुछ पता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा समझदारी है, थोड़ा अपनी इमोशन को हाइट इसलिए करेंगे कि इनको जब लगेगा कि चलो सब कुछ सही है, तब धीरे धीरे बंदा खुद को खोलेंगे।
देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं जेमिनाई कि आपको क्या करना चाहिए। 6 से लेके 12 तारीख तक की वक्त में आपको क्या करना चाहिए। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं उनको क्या करना चाहिए। यस फॉरगिवनेस। अगर आप फॉरगिव नहीं करते हो, माफ नहीं करते हो, तो ये जो बंदा आ रहा है ना आपके तरफ, वो लौट के चला जाएगा, रिश्ता दोबारा से खराब हो जाएगा। अब आप कहोगे मैंने कहा कि लियो हुआ तो माफ कर देंगे। कोई भी राशि के हो आप माफ कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप माफ नहीं करोगे तो ये रिश्ता खराब हो जाएगा, आपके दिल में रहेगा और इसका जो बैगेज है ये फिर से एक लाइफ आपको ढोना पड़ेगा। उससे अच्छा है भाई जो है इसी लाइफ में खत्म हो जाए, अगले जन्म तो कम से कम सही गुजरे, क्योंकि माफ कर देने से वो चीज आपको आपके साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। अगर आप माफ नहीं करते वो आपके साथ रह जाता है, फिर उसको आपको अगले जन्म में जाके माफ करना पड़ेगा। उससे अच्छा है भाई यही का यही खत्म करे और किस्से को आगे बढ़ाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।